इसलिए आपका स्वागत है। तो एट्थ क्लास का जो यूनिट है एनसीईआरटी, तो हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज 9वां क्वेश्चन है, पाश्चीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, क्या यह सही है? दूध को पाश्चीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेल्सियस तथा 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर देते हैं। बताइएगा कौन सा सही होगा। चलेगा तो आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं कौन सा सही होगा। देखिएगा करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल, ठीक है। देखिएगा पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, मुक्त होता है, परंतु ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलेगा इसके बारे में थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिएगा वो पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, मुक्त होता है। पहले उसको पाश्चीकृत कर दिया तो वो मुक्त तो रहेगा ही, फिर पाश्चीकृत करने के लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड यानी 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। कितने के लिए? 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उनका भंडारण कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है, अतः ऑप्शन सेकेंड गलत है क्योंकि वहाँ पर क्या कह रखा था कि भाई मिनट है ना, मिनट ही कह रखा है ना, मिनट, तो यहाँ पर सेकेंड है, तो इतना फर्क आ गया। चलेगा इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। ध्यान रखना किसने की? लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। और लुईस पाश्चर ने किसकी खोज की थी ये भी मैंने आपको कल बताया था। लुईस पाश्चर तो किसकी खोज की थी? देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ, कल हम क्वेश्चन चला रहे थे, लुईस पाश्चर ने किसकी खोज की? चलो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। लुईस पाश्चर ने की थी भाई किण्वन की खोज, ठीक है, याद ध्यान रखिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं, ये बताना है। नाइट्रोजन चक्र आपके रीट के एग्जाम में भी है और जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें लगभग नाइट्रोजन चक्र का टॉपिक रहता है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु वो नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। देखिएगा मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिनका अवशोषण पौधे करते हैं। कौन करते हैं? पौधे करते हैं, बिल्कुल सही है। ये तो पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से या उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन या अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा है? देखो पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, जो जीव जंतु रहते हैं पौधों पर तो उनसे नाइट्रोजन और प्रोटीन वगैरह प्राप्त तो करते ही। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। यानी जो पौधे अगर नष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, उनका मिट्टी में मिलने के बाद उनका नाइट्रीकरण हो जाता है, यानी उनको मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं वो उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन पदार्थों में बदल देते हैं, जिसकी वजह से वापस वही नाइट्रोजन पौधों को दूसरे पौधों को मिल जाती है, ठीक है। कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल गलत, नाइट्रोजन गैस को बिल्कुल नहीं बदलते हैं, वायुमंडल में बिल्कुल नहीं जाती है। मिट्टी में अगर कोई नाइट्रोजन है तो वो वायुमंडल में थोड़ी जाएगी, वो नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त हो, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही है, ठीक है। चलेगा आगे चलते हैं, देखिए बिल्कुल ये देखो पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कौन सा होता है? राइजोबियम, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। नील हरे शैवाल तथा कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें? नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। पौधे इन यौगिकों का अवशोषण करके
प्रोटीन व अन्य यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। अब जैसे ही नाइट्रोजन के अंदर इनका नाइट्रोजन यौगिकों के अंदर इनका स्थिरीकरण हो गया तो दूसरे पौधे क्या करेंगे, ठीक है, पौधे प्रोटीन और अन्य यौगिकों का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। इसका उपयोग पौधों पर निर्भर जंतुओं द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, जंतु भी प्रोटीन तो प्राप्त करेंगे। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं में कवकों द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिनका पौधे पुनः उपयोग कर लेते हैं। चलेगा आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन चक्र के अंतिम चरण में कुछ विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिणामत वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन सभी सजीवों द्वारा, देखो नाइट्रोजन जो है सभी सजीवों का क्या आवश्यक संगठन है, प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। चलेगा दोस्तों, तो आज ये दो क्वेश्चन थे और कल हम अगला यूनिट है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, अच्छा यूनिट है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आप आइएगा और क्लास ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।